केंद्र सरकार समय समय पर कई ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे आम जनता खुशी से झूम उठती है। हाल ही में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट 2023 पेश किया था। इस बजट में आम आदमी के लिए कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आम जनता के लिए काफी लाभदायक रहे। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के आम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स पेयर्स को राहत देने के साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जबरदस्त ऐलान किया है। इस नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS में निवेश की अधिकतम लिमिट को बढ़ाकर करीबन 30 लाख रुपए कर दी है। अगर बात करें पहले के बजट की तो वो करीबन 15 लाख रुपए था। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है क्या और इससे सीनियर सिटीजन्स को पहले के मुकाबले क्या मुनाफा होगा। दरअसल सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS को देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए चलाया जाता है। इस योजना को शुरू करने का मकसद वरिष्ठ व्यक्तियों को वित्त मदद देना होता है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक को हर महीने के ब्याज के रूप में पैसा मिलता है। अब एक नज़र इस योजना की गणित पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले इस योजना में करीब 15 लाख रुपए का निवेश करने पर 7.6% के हिसाब से मैच्योरिटी के समय करीबन 21 लाख रुपए मिलता था, जो कि सालाना के हिसाब से 2 लाख और मंथली 9,500 बनता है। लेकिन अब नए ऐलान के बाद निवेश की सीमा और ब्याज दर बढ़ने पर 30 लाख रुपए जमा करने पर 5 साल की मैच्योरिटी पर 12 लाख रुपए ब्याज के साथ कुल 42 लाख रुपए मिलेंगे। इसके हिसाब से ये सालाना के आधार पर 2.4 लाख और मंथली 20,000 रुपए होता है। इसका मतलब पहले के 9,500 रुपए की तुलना में अब सीनियर सिटीजन को 20,000 मिल सकेगा।